बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस की 21 महिला नेत्रियां 21 शहरों में ज्यादातर राज्यों की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रही है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, अगर आप लोगों से मैं थोड़ी सी शांति की अपील कर सकूं, धन्यवाद। ऐतिहासिक क्षण था देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का, और कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि थाली सजाई गई, व्यंजन लगाए गए, आपके हाथ में कौर भी दे दिया, और जब इस देश की आधी आबादी कौर को मुंह तक लाई, निवाला मुंह तक लाई, तो उससे कहा गया रुक जाओ, अभी इंतजार करो। आप लोग लखनऊ से हैं तो आप कानपुर के ठग्गू के लड्डू के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और उनकी जो पंचलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से उसी को आत्मसात किया है। यह ऐतिहासिक क्षण था, और असलियत बताऊं आपको, जब पता चला कि महिला आरक्षण बिल पास होने वाला है तो सब लोग प्रफुल्लित हुए। हमें लगा हाँ, हम ओरिजिनल शिल्पकार हैं इस बिल के, लेकिन अगर सरकार इसको ला रही है, अच्छी बात है। देश की आधी आबादी पिछले 27-28 साल से ये लंबी लड़ाई लड़ रही थी, और अब ये क्रियान्वित होगा, अब ये असलियत बनेगा। लेकिन आज देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार ने ये बिल लाई, हम सब ने साथ मिलकर इस ऐतिहासिक बिल को पास भी किया, लेकिन असलियत यह है कि जो दो कंडीशन सरकार ने इस बिल पर लगाई, उससे महिलाओं का जो इंतजार है महिला आरक्षण का, वो अभी बढ़ा रहेगा। अभी किसी को नहीं पता वो कब लागू होगा, और अगर सरकार के गृह मंत्री को सुनिए तो 2029 तक होगा। अगर सरकार के बाकी मंत्रियों और उनके सांसदों की बात जो संसद में कही है सुनी जाए, तो ये 2039 से पहले लागू होने वाला नहीं है। और मैं अपने आप से नहीं बोल रही, इनके सांसदों ने आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) का हवाला दिया है। वो दोनों आर्टिकल, ये कहते हैं इसका संशोधन भी हुआ है, 84th अमेंडमेंट हुआ है, वो दोनों आर्टिकल साफ तौर से ये कहते हैं कि 2026 तक जो परिसीमन फ्रीज किया गया है, वो अगला परिसीमन तब होगा जब उसके बाद की जनगणना हो जाएगी। उसके बाद की जनगणना मतलब 2031 की जनगणना, उसमें 1.5-2 साल लगेगा, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, फिर होते होते 34 का चुनाव बीत जाएगा, फिर 39 में हो सकता है इसको लागू किया जा सके। तो ये वो झुंझुना है जो सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ इस देश की महिलाओं के हाथ में रख दिया है, और कहीं पर ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि महिलाओं की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, जो उनकी सामूहिक समझ है, उसको बहुत कम आका। सरकार ये भूल गई कि देश की आधी आबादी घर भी चलाती है, सत्ता भी चला सकती है, काम भी करती है, और वो इंटेलिजेंट है। आपने बोला बिल लाएंगे, अभी इंतजार करिए, ये अनिश्चितकालीन इतिहास है कि अगर इंतजार है, अगर ये वाकई में महिला आरक्षण करना चाहते तो तुरंत अभी जो 5 चुनाव होने वाले हैं उसमें और 2024 के जनरल इलेक्शन में आप महिला आरक्षण लाइए। अगर आपकी नीति और नियत में खोट नहीं होती तो आप जरूर लाते। असलियत यह है कि राज्यों में अपनी हार देखकर, आगामी चुनावों में हार देखकर, नैरेटिव हाथ से फिसलता देखकर, अडानी के महाघोटाले देखकर कुछ करना जरूरी था, और कुछ करने के चक्कर में महिला आरक्षण का बिल ले आए। ये कहां से शुरू हुआ मैं इसको आपको बता देती हूँ। अडानी का महाघोटाला सामने आया, इंडिया की बैठक थी मुंबई में, राहुल गांधी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तुरंत एक शगुफा छोड़ा गया कि भारत का इंडिया का नाम बदला जाएगा। फिर इतना आक्रोश हुआ, लोगों ने कहा मां को इंडिया बुलाओ या भारत बुलाओ या हिंदुस्तान बुलाओ या सरजमी बुलाओ या वतन बुलाओ, सब एक है। तो बेचारे पीछे हो गए। फिर क्या था, आनंद फानंद में महिला आरक्षण बिल लाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं, ये बिल स्टैंडिंग कमिटी नहीं भेजा गया, ये सेलेक्ट कमिटी नहीं भेजा गया, और ये बिल जो है ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि
इस बिल के लिए महिलाएं अभी अनिश्चितकालीन इंतजार करेंगी। और इसकी एक और भी बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि आज वक्त की मांग है, आज लोगों की मांग है, आज जनता की मांग है कि जातिगत जनगणना हो। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस बिल में आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया है, वैसा ही आरक्षण आप पिछड़े वर्ग से आई महिलाओं को भी दीजिए। इस देश में जितनी आबादी उतना हक, अगर ये बात की जाएगी तो ये जरूर पूछा जाएगा कि उन लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। 2011 की जातिगत जनगणना हुई है, आप उसका आंकड़ा तुरंत साझा करिए देश के साथ। जातिगत जनगणना की मांग इस देश के कोने कोने से हो रही है, वो कीजिए। और ऐसा अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपनी दोनों जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं और ये जनता देख रही है। यहां पर इतने बड़े कमरे में मुझे लगता है एक अकेली महिला पत्रकार मुझे दिख रही है, मंच पे हम तीन महिलाएं हैं, लेकिन इस देश की आधी आबादी महिला है और वो देख रही है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए आपके पास खोखले वादों से ज्यादा दूसरा कुछ नहीं है। ओबीसी की महिलाएं देख रही हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए आपके मन में जरा सी संवेदनशीलता। गांधी जी ने एक आंकड़ा दिया पार्लियामेंट में, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आईएएस ऑफिसर्स 90 हैं, 90 सेक्रेटरीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं। लोगों की सुनिए तो पिछड़े वर्ग की आबादी शायद 51% से ज्यादा है। और जैसा कि उनका कहना है, अगर पैर में चोट लगी है, हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, उसका पता आपको एक्सरे कराकर चलेगा। और जातिगत जनगणना वही एक्सरे है जो सरकार कराने से चूक रही है। मैं एक बात और कहूंगी और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है, हमने इस बिल को समर्थित किया, पूरा बिना शर्त के समर्थन दिया, और इसलिए दिया क्योंकि आधी आबादी की इस लड़ाई में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और मैं लोगों की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बता दूं, आज कहने वाले कुछ भी कहें, आज कहने वाले बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाएं, आज कहने वाले गाजे बाजे के साथ महिला सशक्तिकरण की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने 1989 में जब राजीव गांधी जी महिला आरक्षण पंचायती राज में हो इसका बिल लेकर आए तो लोकसभा में वो पारित हुआ, राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया। और उन 7 वोटों में से उस बिल को गिराने वाले 4 वोट लाल कृष्ण आडवाणी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जसवंत सिंह जी के और राम जेठमलानी जी के थे। तो महिला विरोध से महिला आरक्षण तक ये आए, अच्छा सफर इन्होंने तय किया, लेकिन अब मन का खोट निकालें, नियत का खोट निकालें और इसको तुरंत दें, महिलाओं के हाथ में झुंझुना देकर उनकी तौहीन न करें। मैं एक बात और कहना चाहती हूं और ये भी बात यहां पर कहनी जरूरी है, कांग्रेस ने समर्थन किया इस बिल का, भारतीय जनता पार्टी कहती है उनकी बहुत सारी महिला सांसद हैं, सही भी है, कुछ लोगों ने वहां पर खड़े होकर फोटो भी खिंचाई। उन महिला सांसदों में से कुछ नेत्रियां मंत्री भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भयावह कांड हाथरस का होता है तो ये जब लखीमपुर में एक निर्वाचित महिला की साड़ी का चीरहरण होता है तो ये महिलाएं मौन रहती हैं, ये महिला सांसद। जब शाहजहांपुर में चिन्मयानंद पे यौन शोषण का आरोप लगता है तो ये महिलाएं चुप रहती हैं, ये महिला सांसद। और इनका नाम लेकर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये इस देश में सबसे सशक्त, सबसे पावरफुल महिलाओं में से कुछ है। ये महिलाएं तब चुप रहती है जब सदन से 500 मीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां, जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने तिरंगा लहराया, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है, वो यौन शोषण का आरोप लगाती है, ये महिलाएं चुप रहती हैं। ये महिलाएं मणिपुर के उस भयावह हैवानियत के बाद चुप रहती हैं, तो इनका सदन में बने रहने का मतलब क्या है? जब आधी आबादी की प्रतिनिधियों को चुना जाता है तो सोचा जाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के साथ जहां पर गलत होगा ये जरूर बोलेंगी,
लेकिन इनका मौन, इनकी चुप्पी अंकिता भंडारी के लिए नहीं खुलती उत्तराखंड में, जब भाजपा का एक नेता उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता और फिर हत्या कर देता और सरकार उसके साथ मिलकर सारे सबूत मिटा देती है बुलडोजर चलवाकर। ये चुप रहती है हाथरस पर, लखीमपुर पर, ये चुप रहती है मणिपुर पर, ये वॉट अबाउट नहीं करती है बलात्कार पर, इन महिलाओं का वहां पे फोटो खिंचाने से ज्यादा दूसरा क्या औचित्य है आप मुझे बताइए। और मैं दो चीजें और कहूंगी और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत करूंगी। जब ये महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी बेंचेस जिसको कहा जाता है सत्तारूढ़ दल में वो दो लोग बैठे थे जिनको सदन तो छोड़ दीजिए महिलाओं की आंख में आंख डालने की हैसियत और हिम्मत नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उत्तर प्रदेश से सांसद, जिनके लिए परसों दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के लिए उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा। उनको अपनी गोदी में बिठाकर नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। और पतन ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि जो डिबेट शुरू हुआ महिला आरक्षण पर वो निशिकांत दुबे ने शुरू किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी एक साथी सांसद को, अपने साथ की इस सदन की सांसद को, अपने लोकसभा क्षेत्र की एक निर्वाचित महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहा था। और मुझे लगता है एक महिला होने के नाते मुझे आपको बताना जरूरी नहीं है कि वैशाली की नगर वधू का मतलब क्या होता है। ये भाजपा का पतन कि वैशाली की नगर वधू का मतलब क्या होता है, ये भाजपा का पतन है। तो महिला सशक्तिकरण पर खोखले दावे, खोखले वादे करने वाले ये लोग पहले महिला सशक्तिकरण पर अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों को बेदखल करें जो महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करते हुए पाए जाते हैं। मैं आशा करती हूं कि आने वाली महिला सांसदें जब कभी भी आएंगी इस आरक्षण के चलते वो इन महिला सांसदों की तरह सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के सुख में मुंह बंद नहीं करके बैठेंगी, मुंह फेर कर नहीं बैठेंगी, आंखों पर पट्टी नहीं बांधेंगी, बल्कि वाकई में महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी। हमारे समर्थन के बावजूद ऐसे दो मुद्दे हैं जिस पर हम आज भी अडिग हैं, और वो है कि इस तरह से इसको इंतजार नहीं कराना चाहिए था, और दूसरा ओबीसी आरक्षण पर जातिगत जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, तमाम जगहों से, तेलंगाना, ऐसी कोई जगह नहीं है मध्य प्रदेश तक जहां से ये मांग आ रही है। सरकार को ये मांग पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करना दिखाता है कि सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है।